इंडिया की फेवरेट डिशेस बन गई हैं बदनाम। घी, बटर, मैदा और चीनी ने दिया है इनको बुरा नाम। एंटर वर्ल्ड फेमस इन इंडिया शेफ सारांश, जो लौटाएंगे भारत को उसकी शान। होगी इन सेहत के विलेनों से टक्कर, चैलेंज है ये थोड़ा हटकर। एक्सपर्ट्स करेंगे पास या फेल, स्वाद भी और हेल्थ भी। क्या सारांश कर पाएगा दोनों का मेल? जानने के लिए देखिए हेल्थ चैलेंज। भैया वो सब तो ठीक है, ये बताओ जाना कहाँ है खाना खाने? इटालियन काफी ट्रेंडिंग है। नहीं नहीं, मुगलई का मन है यार, बाहर जाके इटालियन खाने का कोई मन नहीं आज तो। फास्ट फूड जापानीज या मुगलई? शायद शेफ ने सुना नहीं, रेस्टोरेंट का खाना घर पे बनाना है। यार ये इस बात मानता नहीं है, एक बार चैलेंज दे देता है तो फिर चैलेंज को ना लेना ही पड़ता है। मतलब आप लोगों को मालूम है, जब लोग रेस्टोरेंट के लिए जाते हैं बाहर खाना खाने, तो डिसाइड करके जाते हैं कि क्या खाएंगे आज। बट अब बोला गया है, चैलेंज ये दिया जा रहा है कि रेस्टोरेंट वाला खाना जो हम डिसाइड करके जाते हैं, हम तला हुआ खाएंगे, फुल फैट लीडिंग वाले मील्स खाएंगे तभी तो रेस्टोरेंट जाते हैं, उसको अब आप हेल्दी बना दीजिए, ताकि आपको रेस्टोरेंट जाके अनहेल्दी चीज़ें ना खानी पड़े। घर पे ही आप बनाएं, रेस्टोरेंट के मजे घर पे ले लीजिए। शेफ सारांश इस युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, पर ये चैलेंज थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इन्हें जज करेंगे हमारे फूड एक्सपर्ट्स, चोजन बाय द फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के बेहतरीन ब्लॉगर्स, फूडीज और रेस्टोर्स को यूनाइट करते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर। आज के फूड एक्सपर्ट निखिल मर्चेंट एक जाने माने ब्लॉगर, फूड राइटर और एक सून टू बी रेस्टोरेंटर हैं। विद अबाउट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फूड, प्लीजिंग हिम होगा एक टफ टास्क। एंड टू कीप अ टैब ऑन हेल्थ है डाइटिशियन भामिनी आशर, जो कि एक एक्सपर्ट लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है और फोकस करती है बच्चों के ईटिंग हैबिट्स पर। ये जजेस शेफ की बनाई हुई रेस्टोरेंट फेवरेट्स को टेस्ट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आखिर घर पे एक हेल्दियर वे में ये खाना बन सकता है कि नहीं। सो वी हैव रेस्टोरेंट फेवरेट्स, यस, प्लेस वेयर पीपल गो टू चीट। घर पे खाना नहीं बनाना होता तो फिर रेस्टोरेंट में जाके खाओ, या घर पे बैठो, फोन घुमाओ और रेस्टोरेंट से खाना मंगाओ। ओह गॉड, इट्स अ नाइटमेयर फॉर मी जब मेरे पास डाइट के लिए आते हैं और जब उनका डाइट हिस्ट्री लेती हूँ और जब कहा जाता है कि कुछ भी नहीं करते, बस वीकेंड पे या ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, संडे को ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, और रेस्टोरेंट फूड खाने के लिए जो भी जाते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि भाई मुझे बटर नान विदाउट बटर दो या फ्रेंच फ्राइज अनफ्राइड दो। लेकिन आई थिंक वी गॉट सम इंटरेस्टिंग डिशेस फॉर सारांश टुडे एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट चैलेंजेस। तो शुरू करते हैं ये चैलेंज हर मुगलई रेस्टोरेंट के मस्ट हैव डिश से। बटर नान, मैदे के नान और ऊपर से ढेर सारा बटर बनाता है इसे आज की पहली बदनाम रेसिपी। कैसे करेंगे शेफ सारांश इसका मुकाबला? बिल्कुल, मुगलई खाने के शौकीन हो पर नान ना खाएं, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है बॉस। पर नान को हेल्दी बनाना पॉसिबल शायद ही है। तो चैलेंज तो ले लिया है अपने ऊपर, क्योंकि मुगलई खाना खाओ और बटर नान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आप जाओगे ना हमारी नॉर्थ वाली साइड, वहां पे लोग छूते भी नहीं है ग्रेवी को बिना बटर नान के। तो एक काम करते हैं, जिस चीज के बिना हमारा काम ही नहीं चलता है, उसी को हेल्दी बनाते हैं आज। जी हाँ, ड्राई चीजें मिलाऊंगा। अब एक काम करेंगे, क्या है दही? दही से जो है नान का आटा बहुत बढ़िया गूंथता है, इसमें मैं चीनी मिलाऊंगा। लीजिए, मेरा डो तो हो गया तैयार। शेफ सारांश ने नान का आटा तो गूंथ लिया, पर असली नान बनता है तंदूर में। शेफ घर पर कैसे बनाएंगे असली नान? इनको लगता है थोड़ी तंदूर की हवा की जरूरत है। ऑब्वियसली घर पे तंदूर नहीं होता है, तो अवन में बेक करेंगे। अब ये जो डो है ना, मैंने 20 मिनट के लिए इसको साइड रख दिया था, सोडा डाला है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है।
इस तरीके से जैसे नान को खींचते हैं ना, वैसे तो खींचेंगे और खींच रहा है और नान की शेप में आ रहा है। तो जरा ये भाई साहब जो मेरे से पूछ रहे थे ना कि ये नान हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अगर खींच सकता है इस तरीके से, दिख सकता है नान की तरह, तो हो सकता है नान। अब इस पे कलौंजी डालूंगा। लोग एग वॉश लगाते हैं जैसे ब्रेड पे, मैं लगा रहा हूं मिल्क वॉश नान पे। मिल्क वॉश। अब कुछ नहीं, इसको डालूंगा अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे और ये पक जाएगा 10 मिनट में। शेफ सहारा ले रहे हैं बेकिंग का, पर अगर शेफ के नान बिस्किट जितने क्रिस्पी हो गए तो उनकी हार पक्की है। अगर ये नान बिस्किट बन गए तो उनको क्रश कर देंगे। कैसे बन जाएंगे बिस्किट? ऐसे नहीं बनते बिस्किट। रेसिपी मेरी है भाई साहब, और मुगलई खाने का शौकीन हूँ। आज रेस्टोरेंट नहीं गया हूँ ताकि बटर नान यहीं पे खा सकूं। तो आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने केसर का दूध तैयार किया है, ब्रश से इसको लगा दूंगा। ओहो, कौन था वो जो बोल रहा था मेरे नान बिस्किट की तरह बनेंगे? जरा लेके आइए उसको मेरे सामने। फिनिशिंग कर दूंगा थोड़े से केसर दूध से और फ्रेशनेस के लिए। मुगलई नान रेस्टोरेंट फेवरेट वाले किचन में तैयार है, हेल्दियर। खा के आता हूँ। शेफ सारांश ने नान को दिया है अपना बेकिंग का ट्विस्ट। क्या शेफ वही ओरिजिनल टेस्ट और टेक्सचर पेश कर पाएंगे जजेस को, या हो जाएंगे पहली ही रेसिपी में फेल? जजेस कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बटर नान, जस्ट द नान बाय इटसेल्फ सारांश। ओह, भूल गया था, मैं रेस्टोरेंट में सर्व कर रहा हूँ। नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्या इसके साथ? मेरा जो सेकंड चैलेंज मैं लेने वाला था वो मैं आप बना सकता हूँ। ठीक है। तो जो सेकंड चैलेंज है, चिकन टिक्का मसाला, 30% बेटर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, आई विल बी बैक। तो बटर नान कोई अकेले सर्व करता है अपने रेस्टोरेंट? नहीं, नाराज हो गए हैं जजेस। चिकन टिक्का मसाला बहुत ढंग से बनाना पड़ेगा। कुकिंग इट इन इट्स ओन जूसेस, लेकिन आई थिंक द नान इज अ लिटिल बिट ब्रेडी।